हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू विद आवर न्यू क्लास दैट इज योर न्यू सब्जेक्ट फॉर क्लास 10th मैथ्स पार्ट 2 दैट इज ज्योमेट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न अबाउट व्हाट इज ज्योमेट्री, देन वी विल लर्न व्हाट आर द टॉपिक्स इन दिस चैप्टर. ओके, ज्योमेट्री कैन बी डिफाइंड एज लाइक द स्टडी ऑफ शेप्स, द स्ट्रक्चर्स. Actually, geo means earth and metry means to measure. What is the meaning of geo? Geo means earth. Okay? And what is the meaning of metry? It is to measure. ठीक है? दोनों का meaning क्या है? हम जितने भी सारे geometrical forms है या shapes है, उनको अगर हम measure कर सकते हैं, उनका distance, उनका coordinate, वो एक उसको एक शेप होगा तो वो कौन सा शेप होगा. ठीक है, उसके बेसिस पे हम उसके डाइमेंशंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस लेंथ के, ब्रेथ के और हाइट के फॉर्म में निकाल सकते हैं, अलग अलग शेप्स पढ़ सकते हैं. अगर हम शेप पढ़ रहे हो तो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना चाहिए हमें. उसके बाद हम उसके अंदर देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि लाइन्स क्या होते हैं, लाइन्स कैसे फॉर्म करेंगे शेप. ठीक है, 3D स्ट्रक्चर क्या होता है, 2D स्ट्रक्चर क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्सिस क्या होता है, ये सारे चीज़ें जहाँ पे आप एक पॉइंट से लेकर के आप पॉइंट से स्टार्ट करते हो और वहाँ पे आपको इतने सारे उस पॉइंट से अगर आपने ज्वाइन किया बहुत सारे पॉइंट्स तो आपको एक शेप मिलेगा. ओके, आपने एक पॉइंट लिया, वो भी आप स्टडी कर सकते हो ज्योमेट्री में, उसका डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो एक्स वाई और जेड के फॉर्म में, एक्सिस के कितने दूर है वो फाइंड आउट कर सकते हो, आप लाइन का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, मेजरमेंट ले सकते हो, आप अलग अलग शेप्स का मेजरमेंट कर सकते हो और यही हम सीखेंगे आपके ज्योमेट्री में. ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे आपके टॉपिक नंबर 1 से, यानी कि सिमिलैरिटी. व्हाट इज द टॉपिक नंबर 1? इट इज सिमिलैरिटी. तो आपका फर्स्ट पार्ट है सिमिलैरिटी का, फिर आपका सेकेंड है पाइथागोरस थ्योरम. ठीक, उसके बाद है सर्कल, हम सर्कल का सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे. उसके बाद आपका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, राइट, वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट सम शेप्स बाय यूजिंग सम मेजरमेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, अभी अभी मैंने जो बोला आपको पॉइंट, लाइन, सेगमेंट, ये सारे चीजें जहां पे हम लोकेट करते हैं किसी भी चीज का पोजिशन, उसे हम कहते हैं कॉर्डिनेट ज्योमेट्री. उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ पे हम एंगल्स का स्टडी करते हैं, वो किस क्वाड्रेंट में उसका क्या वैल्यू होगा. ठीक है, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं, उसके फॉर्मूलास क्या होते हैं और उनके रिलेशंस क्या होते हैं, वो भी हमें लर्न करना है. नेक्स्ट, मेंसुरेशन, आपके 7th यानी कि लास्ट टॉपिक का नाम है मेंसुरेशन, यानी कि हम इसमें टोटली मेजरमेंट करेंगे, अलग अलग आपका एरियाज फाइंड आउट करेंगे. अगर शेप्स की बात करें तो हम उसमें पेरीमीटर देखते हैं, वी सी पेरीमीटर, वी सी सर्कमफेरेंस, वी सी वॉल्यूम, वी सी एरिया. ओके, यू टेक एनी शेप, यू टेक रोम्बस, यू टेक कोन, सिलेंडर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, एनी शेप यू टेक. ओके, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ इट and the shape related to it, whatever it is present on our earth, that all we are going to see. Okay, next, so similarity, what is the meaning of similarity? देखिए सब लोग, क्या होता है similarity का meaning? ये आपका first lecture है तो हम इसे introduction बोलेंगे, we are going to introduce to this chapter, introduction. देखिए similarity, तो मैं शुरुआत करूंगी आपको एक सिंपल पॉइंट से, यानी कि समझिए मेरे पास ये दो पॉइंट्स है, आई हैव दिस टू पॉइंट्स, यस आई कैन लोकेट इट. ओके, ऑन एक्स एक्सिस आई लोकेटेड इट इन दिस मैनर. ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आई लोकेटेड दिस टू पॉइंट्स एंड आई जॉइन दिस टू पॉइंट्स. ओके, सो आई गेव देम डिनोशन. ये हो गया आपका, ये दो पॉइंट्स और ये दो पॉइंट्स के बीच में जो हम ये लाइन बना रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पे ए और बीच के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं और ए और बी पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स को हम कहते हैं सेगमेंट. व्हाट वी कॉल इट एज, दे आर प्रेजेंट इन सेगमेंट. ये है आपका लाइन
सेगमेंट, ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट. ठीक है, सपोज इट हैज द वैल्यू ऑफ 3 सेंटीमीटर, ये आपका वैल्यू 10 सेंटीमीटर. देखिए इसकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर. व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस? इट इज 10 सेंटीमीटर. ये हमने मेजर किया है आपके स्केल से, इट इज 10 सेंटीमीटर. और वैसे ही मैंने क्या लिया है, समझिए, मैंने लिया है आपका ये वाला डेसिमल. तो मैंने एक बहुत ही, आई विल टेक अ वेरी बिग वन, आई टेकन टू मोर पॉइंट्स, दैट इज सी एंड डी. ओके, सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू? हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट डिस्टेंस? सपोज द डिस्टेंस हियर इज एल ऑफ सी डी इज इक्वल्स टू, एंड दिस इज एल ऑफ ए बी, ये आपका एल ऑफ ए बी, ये आपका 10 सेंटीमीटर सपोज कीजिए, और ये है आपका 20 सेंटीमीटर. ये क्या आपका 20 सेंटीमीटर, दोनों भी लाइन सेगमेंट है. ठीक, एक है ए बी और एक है सी डी. अगर मुझे इसमें क्या सेम है वो देखना है. सिमिलैरिटी का मीनिंग होता है कि उन दोनों में क्या ऐसा सेम है, क्या प्रोपोर्शनल है एक दूसरे को, वो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो देखिए अभी मुझे लेना होगा पहले लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक, और लाइन सेगमेंट सी डी. इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है वो मुझे देखना है. ठीक, तो मुझे इनका रेशियो लेना होगा. क्या लेना होगा? रेशियो, सिमिलैरिटी लेना है. यानी कि अगर मैं रेशियो लूंगी, कंपेयर करूंगी, तब मुझे समझ में आएगा कि किसकी लेंथ ज्यादा है और किस किस चीज की लेंथ कम है. ओके, इफ आई टेक द रेशियो, सपोज लेंथ ऑफ ए बी इज 10 सेंटीमीटर, हाउ मच इट इज 10 सेंटीमीटर, एंड हाउ मच इज द लेंथ ऑफ योर सी डी? इट इज 20 सेंटीमीटर. ठीक है, ये हमने कंपेयर किया है लेंथ आपके ए बी और सी डी का 10 डिवाइड बाय 20. कितना आना चाहिए यहाँ पर आंसर? इट विल बी 1/2. कितना आना चाहिए? 1/2 सेंटीमीटर आपने कैंसिल किया, यानी कि 1/2 आपका आंसर आएगा. ठीक है, इसका ही मतलब है एल ऑफ ए बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू एल ऑफ सी डी. यानी कि एल ऑफ सी डी डिवाइड बाय 2 इज एल ऑफ ए बी. ठीक, ये तो हमने कंपैरिजन में देख लिया. ठीक है, तो एल ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 1/2 एल ऑफ सी डी. सी डी आपने राइट हैंड साइड पे लिया है, तो एल ऑफ ए बी क्या आ जाएगा? एल बाय 2, सॉरी ये हो जाएगा आपका, ये आपका 1/2, ठीक है, एज इट इज, और ये एल ऑफ सी डी यहाँ आ जाएगा और 2 नीचे, और ये एल ऑफ ए बी एज इट इज. यानी कि आपका जो ये डिस्टेंस है ना, ये इसका आधा है. ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है ना एल ऑफ ए बी, वो एल ऑफ सी डी से डिवाइड बाय 2 है, यानी कि इट इज 20/2, यानी कि 10, राइट आ गया. इस वैल्यू के वो आधा है आपका ये ए बी लेंथ. आपने इसे कंपेयर किया तो आपको ये इक्वेशन मिला. हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एल ऑफ सी डी लेंगे, जो ज्यादा वैल्यू हम ऊपर लेंगे और जो कम वैल्यू हम नीचे लेंगे. एल ऑफ सी डी इज हाउ मच? 20. हाउ मच इट इज? 20. एंड एल ऑफ ए बी इज 10. एल ऑफ सी डी इज हाउ मच? 20. एंड एल ऑफ ए बी इज 10. तो इट इज 2. हाउ मच इट इज? 2. सो व्हाट इज योर एल ऑफ सी डी? एल ऑफ सी डी क्या है? ट्वाइस लेंथ ऑफ ए बी. ठीक है, आपको सी डी क्या दिख रहा है? लेंथ सी डी क्या है आपका सेगमेंट? सी डी क्या बोल रहे हैं? सी डी क्या है रिलेशन ए बी के साथ? जो आपका लेंथ है सेगमेंट सी डी का, वो डबल है ए बी से. यानी कि ए बी का लेंथ कितना है? 10. 2 × 10 हो गया आपका 20 सेंटीमीटर. ये इसके डबल है और ये इसका हाफ है. ये आपको कैसे पता चला है? कंपैरिजन से पता चला है. किससे पता चला है आपको? प्रोपोर्शन से पता चला है. किससे पता चला है? प्रोपोर्शन.